नमस्कार, मैं ए के सिंह फ्यूचर जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज इस प्लेटफॉर्म से हम लोग वापस मैथमेटिक्स 12th मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो भी थे वो हम लोग पढ़ रखे हैं, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं, बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं। आज हम लोग अब डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेन रूल। लेट्स सी, चेन नाम से स्पेशल समथिंग, कुछ यहाँ पर चेन जनरेट होंगे। वो चेन क्या है, कैसे बनेंगे और क्यों हम लोग बनाएंगे चेन, क्या जरूरत है किसी डिफरेंशिएशन में चेन बनाने की, यही चीज हम लोग आज डील करने वाले हैं। जैसे अभी तक हमने देखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब यहाँ जो बेस में नंबर है, बेस में जो नंबर है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर अपने को वैल्यू मिल रहा है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। हम डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स देखे हैं वन बाई टू रूट एक्स, मतलब रूट के अंदर जो नंबर है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर अपने को वैल्यू मिल रहा है वन बाई टू रूट एक्स। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स जो भी आप लिखोगे, साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का जो एंगल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू क्या आ रहा है, कॉस एक्स। लेकिन क्या अगर हम ऐसे लिख दे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन और एंगल में लिख दे टू एक्स प्लस फाइव और बोले इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आप डायरेक्टली इसको cos 2x plus 5 लिख सकते हो, कभी नहीं। यहाँ पर साइन के एंगल में जो एंगल अंदर में जो एंगल है, जब तक इस एंगल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे आप इतना लिखने के हकदार नहीं हो। तो सिंपल ध्यान रखना कि सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते हैं। रूट का जो नंबर होता है वो रूट के अंदर जो भी नंबर हो, छोटे या बड़े जो भी नंबर हो, उस रूट के अंदर के नंबर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। समथिंग टू द पावर एन, तो उसके बेस में जो भी नंबर हो उसके रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट होता है, देन इस फॉर्मेट में रिजल्ट अपने को मिलता है, सही। लेकिन अगर फंक्शन अपने पास ऐसा हो, ऐसा भी ना हो, मान लो कि साइन स्क्वायर में ऐसे करके नंबर डाल दे, परेशान करेंगे। और एक चीज और, अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लगा रहे हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर वो डिफरेंशिएशन तुम्हें एक्सपेंड करने के बाद लगाना पड़ रहा है कि पहले उसमें समथिंग कुछ ट्रिगोनोमेट्री लगाए, एक्सपेंशन किए, उसको रिड्यूस फॉर्म में डाले और देन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अलग अलग पाथ से अलग अलग आप रिड्यूस करते हो तो आंसर अलग अलग आएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बुक में जो आपका आंसर दे रखा है एक ही वही आंसर आए, स्पेशली हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बात कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नंबर ऑफ प्रोसेस पे अलग अलग डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, तो आप बस कंसेप्ट जनरेट करो और कंसेप्ट जनरेट करके खुद से क्वेश्चन लगाओगे, ये दिमाग ज़्यादा खट्टा नहीं करोगे कि अब मेरा आंसर बुक से क्यों नहीं मैच हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं है, वो गलत नहीं है। अगर आप बाई प्रोसेस सही किए हो तो अलग अलग आंसर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं चेन रूल होता क्या है। हम कह रहे हैं लेट y बी द फंक्शन ऑफ u, u बी द फंक्शन ऑफ v बी द फंक्शन ऑफ r बी द फंक्शन ऑफ, फाइनली हम पहुंचा दिए x तक। अब ऐसे देखो मेरे पास अलग अलग फंक्शन है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके रेस्पेक्ट में, u इसका इंडिपेंडेंट है, फिर u अगर डिपेंडेंट है तो ये भी, मतलब y u पे डिपेंड कर रहे हैं, u v पे डिपेंड हो रहे हैं, v r पे डिपेंड हो रहा है और r x पे डिपेंड हो रहा है, तो क्या हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि y एक्चुअली x पे डिपेंड है, क्योंकि y पे डिपेंडेंसी u v v r और फाइनली r x पे, तो डायरेक्ट वे में तो नहीं बट इनडायरेक्ट वे में y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन डेफिनेटली है, डायरेक्ट वे नहीं है बट इनडायरेक्ट वे में y x का फंक्शन है। तो हमें इस टाइप के फंक्शन को हम चार लिखा है, जरूरी नहीं है हर जगह चार ही होगा, दो तीन चार पांच कुछ भी हो सकते हैं, आपको मैक्सिमम तीन चार तक वैल्यू मिलेंगे,
एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, इस फॉर्म में उसका रिलेशन जा रहा हो। ओके, फिर ये चेन रूल लगाना और फंक्शन ऑफ फंक्शन टाइप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग बुक का अलग अलग प्रोसीजर होता है, बट आप वही फॉलो करोगे जो हम दिखा रहे हैं, अदरवाइज बुक का एग्जाम्पल देखोगे आप परेशानी में पड़ोगे, मुझे पता है। ओके चलिए, तो यहाँ पे अगर मुझे निकालने हो, देन अगर मुझे dy by dx निकालने हो, तो क्या डायरेक्टली y x का फंक्शन है कि हम डायरेक्टली dy by dx निकाल देंगे? आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि y जब भी डिफरेंशिएट होगा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने जा रहा है, u के रेस्पेक्ट में, u जब भी डिफरेंशिएट होगा v के रेस्पेक्ट में, v जब भी डिफरेंशिएट होंगे r के रेस्पेक्ट में, और r जब भी डिफरेंशिएट होगा तो x के रेस्पेक्ट में। आप डायरेक्टली y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो इस फॉर्म में हम करें तो क्या करें, तो dy by dx अगर अपने को निकालना हो, देन हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, y किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, u के रेस्पेक्ट में, गुणा कर दो, u किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, v के रेस्पेक्ट में, v किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, r के रेस्पेक्ट में, r किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहां गौर से, du du dv dv dr dr कैंसिल, dy by dx बचा क्या, तो इनडायरेक्ट वे में हम dy by dx निकाल दिए, बट उसके लिए मुझे अलग अलग फॉर्मेट को यूज करना पड़ा है, y को u के रेस्पेक्ट में, u को v के रेस्पेक्ट में, v को r के रेस्पेक्ट में, r को, फाइनली x तक मुझे पहुंचना था, x तक हम पहुंच गए। तो किसी भी फंक्शन में अगर डायरेक्टली x वेरिएबल ना देके नंबर ऑफ टाइप्स वेरिएबल दे रखे हो, तो उसमें हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए यही फंडा लगाना पड़ता है, इसी को हम कहते हैं चेन रूल। एक चेन बन रहा है ना, एक चेन बन रहा है ना, इसी को कहते हैं चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं कहां है, पहले इसको आप नोट करो फिर बताते हैं। तो आई होप चेन रूल ढंग से आप समझ गए होंगे। चलिए, हमें बस पहचानने हैं कि कौन सा फंक्शन किस पे डिपेंड हो रहा है। अपने डायरेक्टली डिपेंडेंट वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में ही कोई फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, इतना तो आपको पता है। इस चेन रूल के बाद आप एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब डायरेक्टली वो कोई फंक्शन एक्स का ना होके कुछ और टाइप्स फंक्शन होंगे। जैसे आप एग्जांपल से देखो, हम वाई इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4 का स्क्वायर इस टाइप में दे दे, तो एक बार y किसका फंक्शन है, समथिंग x टू द पावर n का फॉर्मेट दिख रहा है, देन फिर से समथिंग कुछ एंगल एंगल दिख रहा, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ऐसे लिख दे, y इज इक्वल टू साइन कॉस 3x 2x स्क्वायर प्लस 9। अब यहां देख लो, डायरेक्टली कॉस अपने इस टाइप एंगल का फंक्शन है और ये पूरा इस साइन का एंगल है। ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यही क्वेश्चंस है फंक्शन ऑफ फंक्शन, डायरेक्टली ये किसी एक वेरिएबल में नहीं, कहने के लिए तो फाइनली एक वेरिएबल में है, बट यहां देखो अलजेब्रिक फंक्शन भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है, कोसाइन फंक्शन भी है, साइन फंक्शन भी है, अलजेब्रिक फंक्शन भी है, सही। तो यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन कई एक टाइप का फंक्शन मिक्सअप है, कई एक टाइप का फंक्शन मिक्सअप है, इसी टाइप फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यही सब है फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इस टाइप फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करने हैं यही अपने को देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंशिएशन करने के प्रोसेस को, भी डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और यहीं से ट्वेल्थ में आपका एक्चुअल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएट दी Following function of function, following function of function, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले उठाते हैं। y is equal to sin 2x square plus 5x plus 6। यहां देख लो, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, पॉलीनोमियल फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन हैं। अब अपने को निकालना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब अपने को निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, अपने को निकालना है डीवाई बाई डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो dy by dx अगर तुम्हें निकालना है dy by dx, तो साइन सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, साइन और साइन के अंदर में कुछ एंगल दिख रहे हैं साइन थीटा, तो अपने को निकालने हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको डिफ्रेंशिएट करने हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हो cos का इतना वैल्यू, नहीं, ये cos का इतना वैल्यू तब लिखाता जब साइन के रूप में जो एंगल है वो एंगल लिखा होता। हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, रूट का फंक्शन अपने रूट के अंदर जो नंबर होते हैं उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते हैं, समथिंग टू द पावर एन तो उसका जो बेस होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते हैं। क्लियर है? तो आप यहां देखो, तो अगले स्टेप में इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डायरेक्ट इसका जो एंगल है उसके रेस्पेक्ट में कर दो विथ रेस्पेक्ट टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, जो नंबर नीचे तुम्हें लिखना पड़ रहा है तुरंत उठा के उसको ऊपर लेके चले जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये देखो डायरेक्टली क्या सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, x का फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, मतलब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, और इन चीजों को बिना देखे समझे यहाँ डालो और ये जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब यहाँ दो चेन ही बन पाया, दो चेन में अपना काम बन गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू, यहाँ आ जाओ फिर से डिफरेंशिएशन करने, करो डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 6 कांस्टेंट टर्म है डिफरेंशिएशन 0, 6 कांस्टेंट टर्म है डिफरेंशिएशन 0। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 इंटू cos 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आई होप समझ पा रहे हो कि चेन रूल लगा कैसे रहे हैं। अब ये छोटा सा चेन है जिसमें बस दो ही चेन बन पाया है, देख पा रहे हो क्या, नोट करें, हम कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि चेन रूल के हर एक क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओ। लिखो, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लिख दे, y इज इक्वल टू साइन साइन कॉस 3x प्लस 2, साइन कॉस 3x प्लस 2, हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने हैं, करिए डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट तो वैल्यू क्या होगा dy by dx, फाइनली हमें निकाल रहे हैं dy by dx। चलिए तो क्या आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का पूरा एंगल कितना है, क्योंकि साइन के बाद जो भी नंबर आएगा उसका एंगल हो जाएगा, साइन का एंगल कितना है cos 3x प्लस 2, यही ना साइन का एंगल है, तो लगे हाथ इसको तुरंत डिफरेंशिएट करो, साइन का जो एंगल दिखाई दे रहा है उसके रेस्पेक्ट में cos 3x प्लस 2 के रेस्पेक्ट में। ओके, नीचे जो नंबर लिखे तुरंत लेके ऊपर चले जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x प्लस 2, ये cos थीटा अपने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा 3x प्लस 2 के रेस्पेक्ट में, बिना कुछ देखे ऊपर उसको उठा के ले जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 2 अभी अलजेब्रिक फंक्शन हो चुका है विथ रेस्पेक्ट टू x, समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले sin थीटा, sin अपने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, इस थीटा को लेके यहां चले जाओ, थीटा के रूप में क्या लिखा जा रहा है cos 3x प्लस 2, यहां cos थीटा अपने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते हैं और ये थीटा डायरेक्टली x का फंक्शन अलजेब्रिक हो गया। अब sin थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या जानते हो, cos थीटा, cos और अंदर में थीटा के रूप में क्या दिखाई दे रहा है cos 3x प्लस 2, ये हो गया इसके डिफरेंशिएशन, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इनटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, थीटा के रूप में क्या दिखाई दे रहा है 3x प्लस 2 इनटू
थ्री कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन प्लस टू कॉन्स्टेंट टर्म है, डिफ्रेंसिएशन जीरो। तो कुल मिला के अपने वैल्यू क्या आ गया, कॉस कॉस थ्री एक्स प्लस टू इंटू माइनस के साथ गुना हो जाएगा माइनस थ्री साइन थ्री एक्स प्लस टू, इस फॉर्म में लिख दो या यहां इस वाले टर्म को इधर उठा के लिख दो, क्या हो जाएगा माइनस थ्री साइन थ्री एक्स प्लस टू इंटू कॉस कॉस थ्री एक्स प्लस टू, इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा। तो कैसे चेन जनरेट हो रहा है तुम्हें समझ आने चाहिए, समझ आ गया होगा कि चेन जनरेट कैसे हो रहे हैं। नोट करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, जो भी है थर्ड क्वेश्चन हम लिख दिए, y इज इक्वल टू ओवर रूट 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, इस फॉर्म में दिस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11। तो आप यहां देखो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, करो डिफ्रेंशिएट, तो क्या लिखोगे डीवाई बाई डी एक्स। अभी देखे वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखते हो 1 बाई टू रूट एक्स, मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन में जो लॉग है, सॉरी लॉग बोल रहे हैं, जो रूट के अंदर नंबर है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। तो यहाँ पे पहली बार आप जब करोगे डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, ये अपने पास मेन फंक्शन था, बट इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 के रेस्पेक्ट में, प्लस 11 के रेस्पेक्ट में। अब देन बिना सोचे समझे इसको लेके ऊपर चले जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, ये डायरेक्टली अलजेब्रिक फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, रूट अंदर राम विथ रेस्पेक्ट टू राम, वैल्यू क्या आएगा 1 बाई टू रूट राम, 1 बाई टू रूट के अंदर जो नंबर है वो लिख दो 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, अलजेब्रिक फंक्शन है, गुणा करो 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 9 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, 11 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0, फाइनली वैल्यू कितना हो गया 10x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 ओवर रूट 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11। अब समझ पा रहे हो धीरे धीरे कि हम लोग चेन रूल लगा कैसे रहे हैं और चेन होता कैसे है, कैसे खुद ब खुद चेन जनरेट हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ एक रूट वाला फंक्शन भी है और एक अलजेब्रिक फंक्शन भी है, डबल फंक्शन का मिक्सचर है, आप समझ पा रहे होंगे और इसी कंसेप्ट क्रिएट करोगे। मुझे पता है कि अलग अलग बुक में इस टीओ करने का प्रोसेस अलग दिखाता है, अलग अलग फंक्शन मानते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो प्रोसेस गंदा है, पेचीदा है, जल्दी समझ नहीं पाओगे, तो इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करोगे, इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करोगे। नोट करो, धीरे धीरे आपको खुद चेन समझ आ जाएगी कि हम चेन कैसे लगाते हैं। एक चीज याद रखेंगे, जैसे हम डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल बोले राम, राम के पावर n, तो इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू राम डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, तभी इसका वैल्यू तुम लिख पाओगे n इंटू राम के पावर n माइनस 1। मेरे बातों को आप समझ पा रहे हो, अगर अपने को लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन के अंदर राम, अब ये राम कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू जब राम आप डिफरेंशिएट करोगे तभी इसका वैल्यू आप लिख सकते हो कॉस थीटा मतलब कॉस राम, यही चीज हम समझा रहे हैं। अगर तुम्हें लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंदर और इसके अंदर राम, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू राम जब डिफरेंशिएट करोगे तभी ये वैल्यू तुम्हें मिलेगा 1 बाई टू रूट राम। आयु यही चीज मुझे समझाने हैं कि तुम समझ पा रहे हो, हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, समथिंग टू द पावर वाला फंक्शन अपने बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, रूट वाला फंक्शन अपने रूट के अंदर के नंबर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अब वो क्वेश्चन देखने से खुद समझ आ जाएगा कि ये फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने वाला है। ओके चलो एक सेकेंड क्वेश्चन उठाओ, जो भी हो
नेक्स्ट क्वेश्चन शायद फोर नंबर क्वेश्चन होगा, हम लिख दे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 5x प्लस 10, इस फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं। अब इन चीजों को पहले आप अरेंज करो, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 10 और स्क्वायर का मतलब इसी का स्क्वायर दिख रहा है, इसी का स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ देखो समथिंग में सबसे पहले यहाँ बेस बेस टू द पावर कुछ नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर dy by dx अगर तुम निकालते हो तो बेस टू द पावर x टू द पावर x, पहले x के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, साइन 5x प्लस 10, तो जैसे ही तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसको, साइन 5x प्लस 10 के स्क्वायर का, तो x टू द पावर n किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होंगे, साइन 5x प्लस 10 के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, जो नंबर नीचे लिखे लेके ऊपर चले जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x प्लस 10, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है 5x प्लस 10, फिर इसको लेके चले जाओ, इसको चेन में हम तब तक डालते रहते हैं जब तक वो x तक ना पहुंच जाए, जब तक वो x तक ना पहुंच जाए, 5x प्लस 10 राइटली एल्जेब्रिक फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x टू द पावर n, x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू n क्या होता है, डिफरेंशिएशन n into x to the power n minus 1, power को पीछे करो, 2 into x के रूप में अपने को जो भी दिख रहा है रहने दो, sin 5x plus 10, इसका power 2 minus 1, power 1 हो जाएंगे, power 1, x to the power n में ये differentiate हुआ है, sin theta का differentiation theta के respect में, cos theta, algebraic function है, 5 constant है, बाहर निकलेगा x का differentiation 1, plus 10 constant term है differentiation, जीरो, मींस कुल मिलाकर के अपने पास वैल्यू कितना आ गया, 2 sin 5x plus 10 into cos 5x plus 10 into 5, या तो आंसर तुम यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो एक और चीज जानते हो, 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा हो जाता है, 2 sin थीटा into, देखो थीटा के रूप में 5x plus 10, 5x plus 10 2 sin theta into cos theta, sin 2 theta हो जाता है, तो या तो इसका आंसर तुम यहीं पे छोड़ सकते हो, 10 into sin इतना into cos इतना, नहीं तो 2 sin x into cos x का फॉर्मूला आप जानते हो, sin 2x होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 2x करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, दोगुना 10x plus 20, या किस फॉर्म में छोड़ दो, sin 2 theta, 2 into theta के रूप में 5x plus 10 इतना का वैल्यू हो गया, और बाहर में तो 5 था, ये 5 रहेगा, मतलब 5 sin 10x plus 20 इतना इसका आंसर आ सकता है, या फिर इस फॉर्म में छोड़ दो, तो ट्रिगोनोमेट्री अरेंज करना तो तुम्हारे बस की बात है, हम केवल सिखा रहे हैं कि चेन कैसे जनरेट हो रहा है, चेन रूल हम लगा कैसे रहे हैं, ओके। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी का थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा क्या बहुत फर्क है, इस क्वेश्चन को पहले आप करो नोट, एक और क्वेश्चन हम इस बार एंगल यहां ना देकर के, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एंगल यहां ना देकर के हम एंगल इस बार यहां दे दिए, सॉरी पावर, पावर यहां ना देकर के यहां दे दिए, अब ये पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, अब ये पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, इस बार पावर किस पर दिया हुआ है, उसके एंगल पर, चूंकि ये चीज आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब लिखा हुआ है साइन थीटा का स्क्वायर, लेकिन यही अगर हम लिखे हुए हैं साइन थीटा स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एंगल का ही स्क्वायर है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एंगल का स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर अगर यहाँ डालते हैं मतलब ये होल पे स्क्वायर था, समझ पा रहे हो, तो यहाँ अब यहाँ पर देखो ये x टू द पावर n नहीं है, सबसे पहले तो अपने को दिख रहा है साइन का एंगल, साइन का एंगल और एंगल पे पावर चढ़ा हुआ है, साइन का एंगल और एंगल पे पावर चढ़ रहे हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे, इससे हम बाद में निपटेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है साइन थीटा, देखो साइन थीटा, तो यहां से अगर हम निकालते हैं dy by dx डिफरेंशिएट करने के बाद, तो dy by dx का लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin, sin के अंदर जो थीटा हो लिख दो 5x plus 10 का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 5x plus 10 का स्क्वायर, इसका थीटा यही है, बिना देखे इसको ऊपर डालो 5x plus 10 का स्क्वायर है
विथ रेस्पेक्ट टू, अब यहाँ देखो एक्स टू दी पावर एन फॉर्मेट उठा लिया, एक्स टू दी पावर एन फॉर्मेट उठा लिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब 5x प्लस 10, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस 10 अब विथ रेस्पेक्ट टू एल्जेब्रिक फंक्शन है पहुंचा दिया x तक। अब देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 2 इंटू 5x प्लस 10 टू दी पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 कॉन्स्टेंट टर्म है x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म है डिफरेंशिएशन 0, तो कुल मिला के वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 cos 5x प्लस 10 का स्क्वायर और इंटू 5x प्लस 10। अब ये मत करना कि 5x प्लस 10 का स्क्वायर और 5x प्लस 10 है तो क्यूब डाल देते हैं, यहाँ 5x प्लस 10 अलग है और यहाँ पर इसका एंगल है, इसको यहाँ बाहर उठा के ले आओ, पहले इसको लिख दो वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5x प्लस 10 इंटू cos 5x प्लस 10 का स्क्वायर। इन सारे क्वेश्चंस में हम वो हर एक चीज डील किए हैं जो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, यहाँ पर ये नंबर है यहाँ एंगल है, जस्ट गुणा करके क्यूब मत कर देना, यहाँ देखो ये कोई नंबर है ये कुछ अलग टर्म है, तो लगभग लगभग हम कोशिश किए हैं कि चेन रूल के हर एक टाइप क्वेश्चंस को करा दिया जाए। अब ये क्वेश्चन और जस्ट यहाँ पावर डाल के जो क्वेश्चन किए हैं ये क्वेश्चन बच्चे को खासकर परेशान करते हैं, इस पर ध्यान देंगे। ओके तो इस चेन रूल से जाकर के अपने 12th मैथमेटिक्स स्टार्ट करो और डिफरेंशिएशन थ्योरी लगाना शुरू करो फटाफट ईमानदारी से, जो भी परेशानी होती है सेंड करो, देन हम वापस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।